कुछ साल पहले आई वेंट टू अ डॉक्टर, तो मुझे मालूम था कि ये प्रॉब्लम है, मुझे मालूम था कि इसकी सर्जरी होनी है, वो भी पता था, सब पता था. सो आई फाउंड द बेस्ट डॉक्टर इन वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन द सिटी. उनके पास गए. जब आप पहली बार किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे थोड़ा सा बात करेंगे, उस चीज़ के बारे में आपको समझाएंगे, कुछ प्रोसीजर क्या है वो बताएंगे. तो जस्ट आफ्टर वन और टू लाइन्स शी आस्क्ड मी, मेडिक्लेम है? आई सेड, हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस कि मेडिक्लेम है या नहीं है? देन शी सेड, कितने का मेडिक्लेम है? ना, ये जो एनर्जी होती है, भले उनके नज़रिए से जो वो पूछ रहे हैं वो राइट है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है. आप एक या दो लाइन पूछ के अगर तीसरी लाइन पूछेंगे कि मेडिक्लेम है, तो देन द इंटेंशन ऑफ द एनर्जी देने की नहीं लेकिन लेने की है. एंड इन स्पाइट ऑफ शी बीइंग वन ऑफ द सीनियर नेम्स ऑफ द सिटी, देन आई फाइनली डिड नॉट गेट इट डन फ्रॉम हर. बिकॉज जो वो फर्स्ट मीटिंग होती है, या कोई भी मीटिंग एक हीलर के साथ, आपकी एक बॉन्ड बनने की होती है, बिजनेस डिस्कस करने की नहीं होती है. ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला जो आया वो बिजनेस की बातें करने नहीं आया, इवन दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर अर्निंग, बट इट नीड नॉट बी डन सो एक्सप्लिसिटली वेयर द अदर पर्सन फील्स that money is more important than my pain. That is what is very, it gives a very feeling of being insensitive towards the other person's pain. Ki aap mere dard ke bare mein sochne ki bajaye, aapne mujhe kaise theek karna hai wo sochne ki bajaye, aapke mind mein is time kya chal raha hai, ki aap mujhe kaun sa wala kamra denge, phir kaun sa wala, depending on mera mediclaim kitne ka hai. Now for a doctor it may be fine, क्योंकि उनको तो पता ही था कि ये procedure है, ये करना है, ये करना है. लेकिन doctor की जो सबसे बड़ी important quality है वो होनी चाहिए compassion and empathy. A doctor without compassion ऐसे लगता है गन्ना बिना रस के, नहीं लगता, सूखा सूखा ना, नीरसता है. doctor से क्या मिलना चाहिए कि मिले और comfort मिले और अश्योरेंस, आश्वासन मिल जाता है कि आई एम विद द राइट पर्सन. क्योंकि जब हम वही चीज़ रोज़ करते हैं ना, होता है ना कई बार वही चीज़ हमें रोज़ करनी है, तो कई बार उस चीज़ में से वो जो एसेंस होता है वो निकल जाता है. सपोज़ आप कैंसर सर्जन हैं, तो आप सुबह से रात तक कैंसर 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 कैंसर, तो आपके लिए कैंसर क्या हो गया? एक कॉमन चीज़. तो आप उसके बारे में कैसे बात करेंगे? हाँ, ऐसे 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 ऐसे. लेकिन जो आपकी टेबल के अक्रॉस आया, उसकी तो जीवन बदल गई आज उस खबर से. द लाइफ हैज़ जस्ट कम टू अ फुल स्टॉप दैट डे. जिस दिन उसको वो रिपोर्ट मिली है, सिर्फ उसकी नहीं, उसके पूरे परिवार की. तो वो कंपैशन, वो एम्पथी, कि जो चीज़ मेरे लिए रोज़ की बात है, वो सामने वाले के लिए आज जीवन बदलने वाली बात हो चुकी है. कितना सामने वाले के अंदर फियर है इस टाइम, कितनी इनसिक्योरिटी है, कितना वो अपनी पूरी जीवन प्लान कर रहा है कि मेरे बच्चों का क्या, मेरा आगे क्या, मेरे खर्चे का क्या. बीमारी तो सेकेंडरी होती है, दूसरी कितनी चीज़ें होती हैं सोचने के लिए. व्यक्ति दो मिनट के अंदर अपनी पूरी लाइफ फास्ट फॉरवर्ड करने लग जाता है, और हम कितना ईजीली कह देते हैं इरिटेटिंग पेशेंट, अ सोल इन पेन, नॉट एन इरिटेटिंग पेशेंट. हाँ, हो सकता है उसका संस्कार है कि वो ज़्यादा पूछ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है. अग्रीड, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसके बार बार सारे क्वेश्चंस आंसर करें. हम उसको ये बात कह सकते हैं कि मेरा जो इंटर्न है, मेरा जो जूनियर है, वो आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करेगा. धीरे धीरे आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन विद कंपैशन, कि द अदर पर्सन इज इन पेन, नॉट विद इरिटेशन. कंपैशन डजंट मीन कि हम 5 मिनट की जगह उनको 15 मिनट देने वाले हैं. नो, हमारे पास 5 मिनट ही है, हमें 5 मिनट ही देने हैं. लेकिन 5 मिनट में देना क्या है?
हर एक जो आपके सामने आए, पहले थोड़ा सा एक सेकेंड निकाल कर उसके नज़रिए को देखो कि वो अभी अभी किस चीज़ से गुजर के आए हैं। उसको इस समय दवाई और ट्रीटमेंट नहीं, उसको सिर्फ आश्वासन चाहिए इस समय। उसके डर को, उसके मन को शांत कर दें अगर हम, तो उसकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। जीवन में अगर शांति चाहिए तो सिर्फ एक ही कर्म करना है, औरों के मन को शांत करना है। अगर हमारे किसी कर्म से औरों का मन अशांत होता है तो फिर हमारे लिए शांत रहना, इवन अ सिंपल थिंग कि हम सब ऐसे बैठे हैं और किसी का मोबाइल बज जाए, तो हम में से कईयों के कुछ थॉट्स चलते हैं या नहीं चलते हैं, विच मीन्स उनका एक कर्म कि उन्होंने फ़ोन साइलेंट नहीं किया, उस एक कर्म ने हमारे मन को क्या किया, अशांत किया। अब जैसे ही हमारे मन अशांत हुए, हमने जो क्रिएट किया वो रेडिएट होके, वाइब्रेट होकर किस तक गया, उनके पास ट्रैवल करेंगे। अब देखो बैठे बैठे सिर्फ क्योंकि फ़ोन साइलेंट हुए नहीं किया 200 नेगेटिव थॉट्स कमा लिए। दिस इज़ व्हाट इट इज़। सारा दिन हम क्या कमाते हैं, हमारा कोई कर्म अगर किसी के मन को अशांत करे तो हम शांत नहीं रह पाएंगे, और अगर हमारा कोई कर्म दूसरों के मन को शांत करे तो हमें शांति ढूंढनी नहीं पड़ेगी, फिर शांति हमारी नेचुरल नेचर बन जाएगी। एंड डॉक्टर्स के लिए ये सबसे ईजी होना चाहिए, हमारा इंटेंशन होना चाहिए दुखी आए और सुखी हो जाए, और बिल्कुल ये ना हो जाए कि दुखी आए और दुखी हो जाए। क्योंकि वर्तमान समय कुछ डॉक्टर्स ने कुछ ऐसे कर्म किए, मीडिया ने उसको उठाकर सब जगह फैलाया, जब कोई चीज़ मीडिया में आ जाती है तो वो जनरलाइज हो जाती है, तो जब जनरलाइज हो जाती है तो क्या थॉट आता है, एवरीवन इज़ लाइक दिस। क्योंकि मैंने इतना सुना कि आजकल टारगेट मीट करने के लिए ये करते हैं, आजकल अपने प्रॉफिट के लिए ये करते हैं, फिर जिस लैब में भेजते हैं उसके साथ भी कमीशन है, जो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं उसके साथ भी, सो वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भर गई, तो मेरे लिए ट्रस्ट करना क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया। नाउ आई वॉक इन टू द कैबिन ऑफ अ डॉक्टर विद द एनर्जी ऑफ डाउट। अब डॉक्टर के ऊपर डबल जिम्मेवारी हो जाएगी कि उसकी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल हो कि उनसे मिलकर मेरा सारा डाउट क्या हो जाए, बंद हो जाए, और मैं कहूँ नहीं, भले पेपर में कुछ भी आया था ये ऐसे नहीं है, दैट थॉट विल बिगिन माई हीलिंग। थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर मिले, कहते मैं कल राउंड पे गया, पेशेंट से मिला, सिस्टर खड़ी थी सामने, मैंने कहा सिस्टर, क्योंकि पेशेंट ने कुछ कंप्लेंट किया कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, तो मैंने कहा सिस्टर ये वाली दवाई उसको आज रात को दे देना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग गया, मैं कहा कैसे हो आप, कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दवाई बहुत अच्छी थी, असर कर गई सही। कहता बाहर गया, सिस्टर ने बताया सर वो रात को दवा वो वाली मिली नहीं। दिस हैपन्स और इट डजेंट हैपन, आप सबके अनुभव है ना ये कि दिस हैपन्स। सो किसने इलाज किया, किसने इलाज कर दिया, उसका फेथ था कि उसने वो दवा खा ली है तो अब उसकी वो चीज़, वो सिम्टम ठीक हो जाएगी। आजकल हम कोई दवा खाते हैं तो साथ में उसके साइड इफ़ेक्ट्स पहले इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, अब इंटरनेट पे साइड इफ़ेक्ट पढ़ने के बाद ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाते हैं सारे। पहले क्या होता था, अंधविश्वास से डॉक्टर के पास जाते थे हम, डॉक्टर ने जो बोला वो बात फाइनल, हमने कोई चेक ही नहीं करना था कहीं और। अब तो आप जो बोलते हो, जो लिखते हो, हम पहले जाके गूगल करते हैं उसको। तो दिस इज़ ब्लॉकिंग हीलिंग, बिकॉज फेथ वाला एलिमेंट क्या हो गया, सारा वो हिल चुका है। हमारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, हमारी वाइब्रेशन ऐसी हो कि सामने वाला विश्वास करे बिना रह ना पाए। जब हम किसी पेशेंट को चीट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, नुकसान किसका होता है, मैं आपके पास आई, आपने मुझे 2,500 का ये एक्स्ट्रा टेस्ट दिया, तो नुकसान किसका हुआ, मुझे ज़रूरत नहीं थी, एंड यू आर सो स्किल्ड कि आप मेरा डायग्नोसिस बिना उसके कर सकते थे, लेकिन इंटेंशन में कुछ और था तो वो करवा लिया, नुकसान किसका हुआ और फ़ायदा किसका हुआ, लेट्स चेक बोथ, किस किस का फ़ायदा हुआ, किस किस का नुकसान हुआ।
फायदा किसका हुआ? जिन्होंने कमाया उनका फायदा हुआ, अगर हम उसको फायदा भी कहें। नुकसान किसका हुआ? पेशेंट का नुकसान हुआ। पेशेंट का नुकसान किस चीज का हुआ? फाइनेंशियल 2500 रुपीस, डन। और किसी का नुकसान हुआ? जब मैं आपके पास आई, विश्वास करके आई, ठीक है, तो मैंने आपको कौन सी एनर्जी दी? विश्वास की एनर्जी दी। मैंने अपना शरीर आपको सरेंडर किया। कोई माँ अपना बच्चा लेकर आ सकती है और डॉक्टर की टेबल पर रख देगी कि इसको ठीक करो, तो विश्वास लेकर आए, सरेंडर, समर्पित किया, तो आपको एनर्जी कौन सी मिली सामने वाले से? ट्रस्ट एंड सरेंडर। ट्रस्ट एंड सरेंडर की एनर्जी का रिटर्न दिया चीटिंग। मिला क्या, दिया क्या, कौन सा कर्म क्रिएट हो गया? ऐसे कर्म करने से थोड़ा सा डरना पड़ेगा। कोई विश्वास, पूरा विश्वास, जैसे अभी मोहित भाई बता रहे ना, कंसेंट फॉर्म साइन कर दिया कि हम मर गए तो भी आपको कोई कुछ नहीं करेगा, इससे ज्यादा किस पर सरेंडर करेंगे? इससे ज्यादा क्या सरेंडर करेंगे किसी के सामने? तो इतना 100% सरेंडर, 100% फेथ, और 100% फेथ को जस्ट फॉर 20,000 रुपीज वी एक्सप्लॉइटेड, विच मीन्स वी प्रायोरिटाइज्ड मनी ओवर फीलिंग्स। तो फिर हमारे जीवन में ये कौन से कर्मा की कैटेगरी में आएगा? बचपन से हम सुनते आए थे, जैसा कर्म वैसा फल, राइट लगती बात? आज सुबह डॉक्टर साहब कह रहे थे ना स्टेज पे, कि जो कोई उनसे मिलने आए और फिर घर गए और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। जब भी जीवन में चलते चलते कोई ऐसी बात हो जाती है, तो जिनके साथ वो हुआ होगा उनके माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आएगा या नहीं आएगा? एंड उस समय हम ब्लेम किसको करेंगे? वी से व्हाई डिड गॉड डू दिस टू मी, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि बचपन से हमने सुना कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। अग्रीड कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है? अगर परमात्मा की मर्जी से हमारे साथ हो रहा होता तो जो उन्होंने सुबह सुनाया वो होता ना। परमात्मा किसी 4 साल के बच्चे का फादर उससे नहीं ले लेगा। अगर परमात्मा की मर्जी से दुनिया चल रही होती, ये दुनिया कैसी होती? परफेक्ट होता सब कुछ। एक और कॉन्सेप्ट बचपन से सुना, जैसा कर्म वैसा फल। अब कर्म हमारे सारे परफेक्ट नहीं है आज, तो फिर फल भी हमारा हमेशा परफेक्ट नहीं है। अगर हम सिर्फ इस एक लाइन को, जो हमें पता है, औरों को भी हम सिखाते हैं, जैसा कर्म वैसा फल, इस लाइन को अगर हम पकड़ के रोज हॉस्पिटल चलें, जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। मेरा कर्म अगर चीटिंग वाला है तो मेरा फल भी कौन सा आने वाला है? तो मैंने किसके भाग्य में दर्द लिखा? आपने मेरे भाग्य में सिर्फ 2000 रुपये खोने का दर्द लिखा है, सिर्फ 2000 रुपये का, लेकिन अपने भाग्य में कौन सा दर्द लिख लिया? ऐसा कर्म करने से पहले अपने आप को एक बार सिर्फ लाइन बता देनी चाहिए, जैसा कर्म मैं आज कर रहा हूं, कर रही हो, इसका कॉन्सिक्वेंस तो आना ही है। सारा दिन एनर्जी फ्लो को पकड़ के रखना है। जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो हमारा कर्म है। एनर्जी विच वी क्रिएट वी रेडिएट, ये हमारा कर्म है। जो एनर्जी मुझसे बाहर जाएगी वो है कर्म, जो एनर्जी बाहर से मेरे पास आएगी वो है मेरा, वो है फल, वो है कॉन्सिक्वेंस। एंड विच मीन्स वट एवर आई सेंड आउट लाइक दिस, इट इज गोइंग टू कम बैक। वाई? इट्स नॉर्मल लॉ। इफ आई ओनली टेक अ बॉल फ्रॉम हियर एंड हिट इट देयर, इट्स गोइंग टू हिट द वॉल एंड कम बैक। दिस इज नो ब्लाइंड फेथ, दिस इज सिंपल लॉजिक, कि जो यहां से मारा वो वहां भेजा, वापस आएगा।
अब अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें जीवन में आ रही हैं जो मुझे पसंद नहीं हैं, सपोज़ कोई मेरे साथ व्यवहार ठीक से नहीं कर रहा, किसी पर विश्वास किया वो मुझे धोखा दे रहा है, तो जो वापस मेरे साथ बॉल्स आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं। सो मैं इमिजिएटली क्या करने की कोशिश करती हूँ, आई ट्राई टू चेंज द सिचुएशन, आई ट्राई टू चेंज द पर्सन, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन दैट कम्स इनटू माय माइंड इज व्हाई आर दे डूइंग दिस टू मी, व्हाई आर दे बीइंग लाइक दिस टू मी, नाउ लेट्स गिव एन आंसर टू दैट, व्हाई आर दे डूइंग दिस टू मी, ये बात मेरे सामने ऐसे क्यों आ रही है। Suppose I take a ball from here and hit that ball will come back to me. Now I have forgotten that I hit the ball, and now I can just see a ball coming towards me. So when I look at a ball coming towards me, तो मेरे mind में first question क्या आता है? Why is this coming to me? ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो immediately answer, ये अगर आ रही है तो इसका मतलब कभी ना कभी गई भी थी, ऐसे आ ही नहीं सकती, भेजे बिना आ नहीं सकती। नाउ लुक एट ऑल दोस पीपल और सिचुएशंस अराउंड यू विच आर नॉट सेंडिंग वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। कोई आपसे ठीक से बिहेव नहीं कर रहा, कोई बार बार आपके जीवन में विघ्न डाल रहा है, कोई आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, कोई आपके विश्वास में धोखा दे रहा है, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जैसी आज हमने सुबह सुनी, ये सारे जो बॉल्स हमारे पास आते हैं ये नेगेटिव, जिसको हम कहेंगे ब्लैक कलर के बॉल है, आते हैं ना ऐसे कभी कभी। अब जैसे ही ये ब्लैक कलर के बॉल आते हैं, हमारा माइंड कहता है ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमें वो वाली लाइन याद होगी तो हम अपने माइंड के सारे क्वेश्चंस को इमिजिएटली क्या कर देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे कि दिस ब्लैक बॉल इज कमिंग टू मी बिकॉज समटाइम समवेयर आई हैव थ्रोन इट, दैट इज व्हाई इट्स कमिंग टू मी। कुछ लोग हैं जो ड्रिंक कर रहे हैं, जो गुटखा खा रहे हैं, जो सिगरेट पी रहे हैं, उससे वो बीमार हो जाते हैं, तो उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस वो बीमार हुए। लेकिन कुछ लोग हैं जो बीमार होने के बाद भी वही लीज लेना चाहते हैं, तो कर्मा के कॉन्सिक्वेंस के बाद भी जो नया कर्मा वो कर रहे हैं वो भी कर्मा का क्वालिटी कौन सी है, वो फिर से नेगेटिव, तो उसका कॉन्सिक्वेंस कैसे आएगा, फिर से नेगेटिव। नाउ दिस विल गो इनटू अ विशियस साइकिल। अब आजकल अखबार में कितना कुछ पढ़ने को मिलता है, किसी को सर्जरी की जरूरत नहीं थी तो भी उसकी सर्जरी कर दी, किसी को लिया नीचे उसकी किडनी निकाली किसी और को बेच दी। सपोज मैंने आपके साथ वो किया, तो मैंने आपके साथ वो किया तो मैंने आपके साथ चीटिंग किस किस चीज़ की हेल्थ की चीटिंग की, मीन्स आई हैव एक्सप्लॉयटेड योर बॉडी, आप इमोशनली दर्द में जाने वाले हैं उसके बाद, आई एक्सप्लॉयटेड योर हैप्पीनेस एंड मनी, तन मन धन तीनों को मैंने एक्सप्लॉयट कर लिया, ठीक है, ये मेरा कर्मा बना, मेरे एक कर्म ने उनके तन मन धन तीनों को नुकसान दिया, ठीक है। अब वो पेशेंट है, डॉक्टर है, मेरे साथ वो कुछ नहीं कर सकती अभी, ठीक है, मैंने रफा दफा उस केस को भी पूरा बंद कर दिया। 50-100 साल बीत गए, आपका भी कॉस्ट्यूम चेंज, मेरा भी कॉस्ट्यूम चेंज, लेकिन हम फिर से मिलेंगे तो सही, मिलेंगे तो सही, इतना बड़ा अकाउंट बना कर आए हैं तो मिलना तो पड़ेगा ही। आप अपने पेशेंट से ध्यान से रहना, ये सब मिलने वाले हैं कभी ना कभी फिर से, कोई नहीं कार्मिक अकाउंट ऐसे जाने वाला है बिल्कुल भी। Now think, I have exploited you for mind, body and wealth. Now अब हम जब सामने सामने आएंगे, आपको भी नहीं याद कि क्या हुआ था, मुझे भी नहीं याद कि क्या हुआ था, लेकिन वो दो आत्माएं जब सामने सामने आएंगी तो अपने आप कुछ कुछ होने लग जाएगा, अपने आप आपकी बुद्धि उस डायरेक्शन में चलेगी कि आप मेरे साथ गलत करना शुरू कर देंगे। एंड नाउ आई कुड बी योर वाइफ, आई कुड बी योर हस्बैंड, आई कुड बी योर चाइल्ड, आई कुड बी योर पेरेंट, आई विल नॉट कम एज अ पेशेंट, डोंट थिंक दैट डॉक्टर पेशेंट विल कम अगेन एज डॉक्टर पेशेंट, नाउ आई कैन कम एज योर चाइल्ड। आपने मुझे पैदा किया, मेरे ऊपर इतना खर्चा किया, मुझे पाला पोसा, आपके मेरे साथ इतनी अटैचमेंट हुई, मैं आपको ही धोखा देके आपका सारा पैसा लेके गायब हो गए,
और कोई बच्चा तो अपने पेरेंट्स कोई, अब दुनिया वाले उस बात को अखबार में पढ़ेंगे और कहेंगे ये ऐसा भी होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि वो ऐसा कर्मा करके आए थे एंड इसीलिए अब जो हुआ है इट वॉज एब्सोल्यूटली फेयर, नो क्वेश्चन मार्क्स कि ऐसा क्यों हुआ. व्हाई नाउडेज पीपल गो इन फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन? पास्ट लाइफ रिग्रेशन में यही पता करने जा रहे हैं सिर्फ कि मेरा और इनका क्या हुआ था जिसकी वजह से आज हमारी बनती नहीं है. और जब वो पीछे थोड़ा रिवाइंड 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 करके पता चल जाता है, सपोज शी इज एक्सप्लॉइटिंग मी, अब्यूजिंग मी एंड आई एम इन पेन एंड इन पेन एंड इन पेन एंड देन आई गो टू अ थेरेपिस्ट एंड आई रिवाइंड 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 एंड मुझे पता चलता है कि मैंने तो उनके साथ जो किया था वो तो बहुत ही कुछ बड़ा था, तो उनका अब्यूज आज सहन करना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है कि दिस इज अ रिटर्न ऑफ समथिंग दैट आई हैड डन. एक्सेप्टेंस बिकम्स वेरी ईजी, बट फॉर दैट वी डोंट नीड टू गो एंड डू पास्ट लाइफ रिग्रेशन. हमें वो करने की जरूरत है ही नहीं, नियम पता है. ये सब कुछ जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं ये ऐसे ही नहीं होता है, ये ऐसे ही नहीं होता है सब कुछ. वो उस आत्मा का कर्म और उसका भाग्य वो लिख कर लाई है. कैसे होता है कि बच्चा जिस क्षण पैदा होता है उसकी जन्म पत्री बन जाती है? उसके पीछे कुछ लॉजिक है ना, उसने तो अभी इस जीवन काल में कुछ किया ही नहीं, तो वो जन्म पत्री किस बेसिस पे बनती है? उसी क्षण कितनी सारी आत्माएं पैदा होती हैं, एक ही थोड़े जन्म लेता है उस टाइम बच्चा, लेकिन हर एक की जन्म पत्री बिल्कुल अलग अलग होती है. वो जन्म पत्री एक्चुअली क्या होती है? वो 1 अप्रैल की बैलेंस शीट होती है, डिपेंडिंग ऑन उस सोल की पिछले कॉस्ट्यूम में 31 मार्च की क्लोजिंग शीट. इसीलिए तो पैदा होते उसी क्षण पंडित जी दे देते हैं, ये लो आपकी बैलेंस शीट. अब वो बैलेंस शीट क्लीन नहीं होती है, वो बैलेंस शीट में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और उस बैलेंस शीट के हिसाब से पंडित जी बताते हैं आने वाले इस जीवन में इस बच्चे के साथ ये होने वाला है. लेकिन पंडित जी हमें जो एक बात नहीं बताते हैं वो ये कि ये जो बैलेंस शीट है ये पिछली बार के कर्मों की है, ये पिछली बार के संस्कारों की है. लेकिन हे आत्मा, तुम्हारे पास पूरी शक्ति है कि तुम अब अपने संस्कार चेंज करो और कर्म बदलो, ये बैलेंस शीट पूरी तरह से चेंज हो जाएगी. इट्स नॉट दैट कि वो बैलेंस शीट लेके आए थे और उसी के साथ चलना है हमेशा. नो, नॉट एट ऑल. प्रेजेंट कर्म इज मोर पावरफुल देन माई पास्ट कर्म, बट माई पास्ट कर्म विल कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी. उसको हम नहीं रोक सकते आने से, लेकिन प्रेजेंट कर्म अगर राइट होगा, क्लीन होगा, पावरफुल होगा, वाइट होगा, तो फिर पास्ट कर्म धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डायल्यूट होके खत्म हो जाएगा. लेकिन पास्ट कर्म ब्लैक है, प्रेजेंट भी ब्लैक है, फिर नेक्स्ट भी ब्लैक है, तो डेस्टिनी तो फिर सो. इसलिए सामने से नहीं चेक करना कौन सा बॉल आ रहा है. कोई हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा, नुकसान कर रहा है, हम उसको दुआएं दे रहे हैं, तो सबसे पहले अच्छा किसको फील होने वाला है? और यही हम नफरत अंदर पकड़ रहे हैं, रिजेंटमेंट अंदर पकड़ रहे हैं, तो तकलीफ किसको होने वाली है? हमें होने वाली है. आपके पास जितने पेशेंट्स आते हैं, अगर आप अपनी सारी दवाइयाँ इलाज लिख कर साथ में 2 लाइन अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दें कि लेट गो ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर होल्डिंग इनसाइड, फॉरगिव पीपल, फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड इन योर पास्ट, भूल जाओ वो कर्मा था वो पूरा हो गया, अगर ये 2 लाइन भी ट्रीटमेंट में साथ में लिख दें जल्दी ठीक हो जाएगा. अगर आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन में लिख दें कि आज से आपको गुस्सा करना अलाउड नहीं है, वो सीरियसली फॉलो करेगा आपको जो आप कहेंगे उसको, करेगा या नहीं करेगा? फिर हम ये तो उनको लिख देते हैं कि ये दवा खाने ये खाने, ये एक दो टिप्स भी तो देने चाहिए ना हमें उनको सामने, क्योंकि इमोशनल हीलिंग से उनकी फिजिकल हीलिंग होनी है. तो अब जो लोग ब्लैक बॉल भेज रहे हैं हमें, हम व्हाइट बॉल भेजने के लिए रेडी हैं. जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो एक्चुअली हम किसको क्षमा कर रहे हैं? हम अपने आप को क्षमा कर रहे हैं कि आज से मैंने अपने चित्त पर
ये नफरत और ये दर्द पकड़ के रखना नहीं. सो हु डू आई फॉरगिव? आई फॉरगिव माय सेल्फ. यू नो, घरों में एक वो गीता सार टंगा होता है, कितना प्यारा है. जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा. अब वो अच्छा एक्चुअली अच्छा नहीं होता कई बार, लेकिन व्हाट इट एक्चुअली मींस इज जो हुआ वो सही था, जो हो रहा है वो भी सही है, और जो होगा वो भी बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू माय कर्मा. हम क्या करते हैं आजकल, अपने ब्लैक कर्मा को व्हाइट करने के लिए कुछ कुछ थोड़ा दान पुण्य कर देते हैं साल में जाके. आजकल वो भी हो गया, नॉट फॉर अस बट लाइक जनरली, पूरा साल बिजनेस में कुछ भी किया, ये किया, फिर कहे चलो एक मंदिर खोल दिया, एक हॉस्पिटल को डोनेशन दे दिया, ये कर दिया. नाउ लेट्स थिंक, विल दैट न्यूट्रलाइज माई कर्मा? विल दैट न्यूट्रलाइज माई कर्मा? मैंने 10 लोगों को चीट किया और 10 लोगों को दान दिया, तो 10 लोगों को जिनको दान दिया उसका भी ब्यूटिफुल रिजल्ट मेरे पास आएगा, लेकिन 10 लोगों को जिनको चीट किया उसका भी रिजल्ट मेरे पास आएगा. 10 क्या, अगर एक को भी चीट किया तो उसका जब रिजल्ट पास में आता है तो वो मुझे 10 जो पुण्य है ना उसको भी इंजॉय करने नहीं देता है. जीवन में देखना चाहिए अपने और आसपास, सब कुछ है हमारे पास, हॉस्पिटल है, घर है, परिवार है, सब 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 परफेक्ट होता है. ये सारा कुछ जो परफेक्ट होता है ना, ये हमारे श्रेष्ठ कर्मों का फल होता है, क्योंकि हम सब ने बहुत अच्छे कर्म किए. और सारे जब अच्छे कर्मों का फल होता है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, एक बीच में कुछ हो जाता है ऐसा, एक सिर्फ एक रिटर्न काफी होता है, बाकी सारी चीजें वो इंजॉय करने नहीं देता है. तो इसलिए अगर कुछ पुण्य ना कर सकें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ गड़बड़ ना कर दे. किसी को सुख नहीं दे सकते कोई बात नहीं, किसी को दुख नहीं देना है. किसी की सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, क्योंकि उसका जब रिटर्न आता है ना, लुक एट ऑल आवर लाइव्स, व्हेन दिस रिटर्न कम्स, whether it comes in some family as untimely death, whether it comes in terms of accident, whether it comes in terms of disease, it comes in terms of failure, it comes in terms of conflict of relationship, ye jab return aata hai na, atma ki puri jeevan hil jati hai, wo sukhi reh nahi pata in spite of having everything. kyun? kyunki hamare wo karam ne kisi ko dukh diya hota hai. If I get exploited, it's not only about money. मुझे दुख मिला है कि मुझे चीट किया गया है. अगर हमें कोई चीट करे तो हमें कैसा लगता है? अगर हम सिर्फ धन कमाते हैं तो जो धन कमाता है वो जरूरी नहीं है कि जो दुआएं कमाएंगे वो धन कमाएंगे, लेकिन जो दुआएं कमाएंगे वो 100% गारंटी है कि वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा धन कमाएंगे, क्योंकि दुआएं उनके पास धन खींच कर लेकर आएगा, लेकिन वो हिम्मत का एक संकल्प करना पड़ेगा. जब हम सर्जरी के लिए जाते हैं, क्या हम कभी परमात्मा को याद करते हैं जस्ट सर्जरी शुरू करने से पहले? जस्ट शुरू करने से पहले, नॉट मॉर्निंग बिफोर बिगिनिंग द डे, वो तो सब करते हैं. Just there before beginning the surgery, try it out. Anyone who's not doing, try. Enter the OT. Everything is ready. सब कुछ कर दिया है, sisters ने सब तैयार कर दिया है. अब सबको बोलते हैं, एक मिनट साइलेंस में खड़े होते हैं सारे जो वहाँ पे हैं, और एक मिनट हम सब उस परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि हम किसी की जीवन के साथ अभी काम करने जा रहे हैं. जो लेटा हुआ है वहाँ पे अनकॉन्शियस, वो तो कितना पूरी रात भगवान को याद किया होगा, और उसके जो बाहर खड़े हुए हैं सारे वो भी याद कर रहे हैं, और जिन्होंने करना है काम वो बिना याद किए कैसे काम शुरू कर सकते हैं. अब परमात्मा को याद करना मींस क्या करना? अगेन, इट्स नॉट एनीथिंग ब्लाइंड फेथ कि भगवान को याद करो. भगवान को याद करो मतलब जो शांति का सागर है, सर्वशक्ति वान है, उसके मन के साथ अगर हम कनेक्ट होते हैं तो उसकी स्थिति का प्रभाव
हमारी स्थिति पर पड़ता है, तो हमारा मन कैसा हो जाएगा? शांत। अब शांत मन के साथ सर्जरी तो बेटर ही होगी ना। 1 मिनट कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, आई एम अ पीसफुल सोल, गॉड्स एनर्जी विद ऑल ऑफ अस इन दिस यूनिट, वी आर इंस्ट्रूमेंट्स, ही विल यूज अस टू हील दिस पर्सन, एंड देन इन द एंड 1 मिनट शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड देन गॉड्स पावर टू दैट सोल टू हील हिमसेल्फ क्विकली एंड कम आउट ऑफ दिस। ये 2 मिनट भी अगर दिए तो पूरे उस एक्ट की एनर्जी जो है उसमें से फियर और एंग्जाइटी क्या हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी, हीलिंग विल गेट बेटर। छोटे छोटे चीज़ें करनी है सारा दिन, और अगर सुबह हम दिन की शुरुआत 5-10 मिनट इस तरह से अगर हम मेडिटेशन पहले सीखें, सेंटर पर आएं, मेडिटेशन सीखें, क्यों मेडिटेशन करना है, तो हम जिसको याद करेंगे हमारी मन की स्थिति क्या हो जाएगी, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारी मन की स्थिति उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी, उनकी मन की स्थिति का प्रभाव हमारे मन की स्थिति पर पड़ना शुरू हो जाएगा। हम सब ने टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया, विच मीन्स एक का थॉट दूसरे से कनेक्ट हो गया। अब कलयुग है, अलग अलग मन की स्थिति है, अगर उनके साथ सारा दिन कनेक्ट होंगे तो उनकी स्थिति का असर हमारे ऊपर पड़ेगा। तो एटलीस्ट 10 मिनट्स उसके मन की स्थिति के साथ कनेक्ट होना चाहिए। एंड परमात्मा को याद करना डजंट मीन सिर्फ मुख से याद करना और हाथ से याद करना, इट मीन्स मन से याद करना, कि मेरा मन उसकी मन की स्थिति से कनेक्टेड हो ताकि उसका प्रभाव मेरे मन की स्थिति पर पड़ जाए। तो दिन की शुरुआत कैसी होगी? वेरी पीसफुल, वेरी पावरफुल। तो फिर गुस्सा करने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। एंग्जाइटी इज आउट, फियर इज आउट, वी आर इंस्ट्रूमेंट्स।